अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देंगे तारिक फातेह जी की वीडियो पर एंड संजय दीक्षित की वीडियो पर, जिसका टाइटल है व्हाई मुस्लिम्स सेलिब्रिटी हर्ट हिंदूज एंड अदर नॉन मुस्लिम्स। सो इस वीडियो पर आज हम रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होती है। सो आई होप कि आपको अच्छी लगने वाली है, काफ़ी चीज़ें हमें इसमें जानने को मिलेंगी और समझने को मिलेंगी। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, आज के इस वीकली डायलॉग्स में जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है और हमारे साथ हैं तारिक फतेह साहब। इनके साथ एक हमारी वार्ता आप सुन चुके हैं, आपके साथ दोबारा वन एंड ओनली तारिक फतेह। ये किसी भी तरह के तारुफ के मोहताज नहीं है, मैं बिल्कुल इनको इंट्रोड्यूस नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि आप तारिक फतेह साहब को तारिक फतेह के तरह ही सुने और समझे। तो तारिक फतेह साहब, हम पिछले डिस्कशन में ये बातचीत कर रहे थे कुछ जावेद अख्तर साहब की, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। और उसमें भी थोड़ा जिक्र आया था ये अजान वजान का, तो आपको बता दूं कि हमारे यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुराना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको रीइटरेट करते हुए और कुछ लोगों को ये फरमान सुना दिया सुप्रीम हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। वैसे तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं हमारे वो अपना नाम आसानी से नहीं बदलते हैं। अब देखिए कि मद्रास हाई कोर्ट भी है, जैसे मद्रास हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसी तरह से इलाहाबाद। चले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा, जजमेंट के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन जो खास बात है वो उसने कहा कि हाँ, हम ये मानते हैं कि नमाज और अजान ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा है। एक हमारी जो ज्यूरिसप्रूडेंस है इंडिया की, उसमें एक एसेंशियलिटी प्रिंसिपल है कि किसी भी चीज को, किसी रिलीजन का पार्ट होने के लिए देयर हैज टू बी एन एसेंशियल कैरेक्टर। एक पुराना सात जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के सात जजेस की बेंच का एक जजमेंट है, उसका नाम है शिरूर मठ, बड़ा फेमस जजमेंट है। तो वो हमारा जो आर्टिकल 25 है जो रिलीजियस फ्रीडम्स देता है, उसको उसमें व्याख्या की गई है, उसके उसको एक्सप्लेन किया गया है। और अब चूंकि कुछ नए मसले खड़े हुए हैं, तो उसी की रिव्यू करने के लिए, उसी की समीक्षा करने के लिए अब एक 9 जजेस की एक बेंच गठित हुई है। और दैट इज हैपेंड आफ्टर दिस कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट शबरीमला एंड अदर प्लेसेस। तो जो पुराने लेट डाउन प्रिंसिपल्स थे उनको फॉलो करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि अजान और नमाज तो जरूरी हिस्सा है इस्लाम का, लेकिन लाउडस्पीकर नहीं है। और ये कहते हुए लाउडस्पीकर को हाई कोर्ट जाना पड़ा? नहीं, उल्टा हुआ सर, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। वहां उल्टा हुआ, वहां क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने पाबंदी लगा दी एक जगह। तो जिनके ऊपर पाबंदी लगाई थी और उनको पाबंदी ये कह के लगाई कि भाई यहाँ नॉइज पोल्यूशन एक्ट है, अब तुम यहाँ पर ये जो वक्त मुकर्रर है उसके अलावा तुम ये लाउडस्पीकर, और वो भी लाउडस्पीकर लगाओगे तो वो जो डेसिबल उसके प्रिस्क्राइब्ड है उससे ऊपर नहीं जा सकते, ये कह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके उनको बैन कर दिया। अच्छा, वो लोग गए कोर्ट? वो लोग गए अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। जब वो गए तो ये डबल बेंच का ये जजमेंट आ गया। और उस जजमेंट को आने के बाद में जैसे ही हमारे यहाँ उसके बारे में बातचीत शुरू हुई, तो हम क्या सुनते हैं कि साहब कनाडा में लाउडस्पीकर का अजान शुरू हो गया। अब ये बताइए कि इंडिया और कनाडा दोनों ही कॉमनवेल्थ कंट्री, कॉमन लॉ कंट्रीज है। जो हमारा लॉ है वो बेसिकली वो क्रिश्चियन कॉमन लॉ है, उसी से चलता है। और ये होने के बाद ये कनाडा में कैसे संभव है कि आपके यहाँ क्या नॉइज पोल्यूशन एक्ट लागू नहीं होता,
क्या आपके यहाँ ये लागू नहीं होता कि साहब कोई किसी को गाली दे ले, कोई किसी को कुछ कह ले, वैसे ही साहब खड़े होके और दिन में 5 बार कहते हैं कि साहब की जो कुछ है वो अल्लाह ही है, बाकी सब बेकार है, और ये लोग सुनते हैं। असली बात तो ये है कि उनको अरबिक आती नहीं, अरबी आती नहीं, जिनको आती है वो भी डरते हैं। एक तो हमारे मुसलमानों की खूबी आप मानेंगे ना, हम जहां भी होते हैं आसपास के लोग जरा डर जाते हैं, वरना आपने भी 70 साल बर्दाश्त किया ना, आजादी के बाद वीटो पावर दिया उन मौलवियों को जिन्होंने आजाने सुनाई, आपने ही अपने शहरों के नाम उन लोगों के नाम पे रखा है जिन्होंने आपके जमीनों को बर्बाद किया, उठा लूट मार करके ले गए। बाबरी मस्जिद आपने बर्दाश्त की ना, हमने तो नहीं की। लेकिन मैं आपको यहाँ का बताऊं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो तबलीगी जमात है उसका नेटवर्क पूरे कनाडा में, यहाँ जमात इस्लामी जितनी ऑर्गेनाइज तरीके से, मैं आपसे कहूंगा कि द फोर्सेस ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम, और जिसमें आपके हिंदुस्तानी मुसलमानों का किरदार काफी है, खासतौर पर वो अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ, इसमें अरबों तुर्कों ईरानियों का कोई रोल नहीं है, वो कोई ऐसा बदतमीजी नहीं चाहते। इन लोगों ने एक मस्जिद जहां तबलीगी जमात गुजराती स्पीकिंग सूरती मुसलमानों का कंट्रोल है, वहां की सिटी काउंसलर, आप अंदाजा लगाइए, कम्युनिस्ट पार्टी की, मैनिटोबा कम्युनिस्ट पार्टी की फॉर्मर लीडर थी, उनसे कहा कि देखिए साहब आप ये कर देंगे हमारे वोट पक्के, तो आपको आजकल के लेफ्ट का तो पता, उन्हें कितने हुए फिर, उन्हें कहा ये 12,000 वोट ये हुए, उन्हें कहा अच्छा तो आप अजान दे दीजिए। ये पूरी दुनिया में आप देखिएगा एक मीडियोक्रिटी आती जा रही है, जेएफ कैनेडी नहीं पैदा हो रहे अपने, देख लीजिए इस वक्त अमेरिका में किस टाइप का कंपटीशन होगा कि बाइडन, एक आदमी जो लड़ रहा है इस पे इल्जाम है कि ही हैड सेक्सुअली असॉल्टेड वुमेन, और बेचारा इतना बुजुर्ग आदमी हो गया कि 78 में उसे कुछ याद नहीं रहता, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा, दूसरी जगह अपने वो अपने भाई साहब बैठे में तरह तरह की गोलियां खा भी रहे और दे भी रहे। तो वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ मीडियोक्रिटी जिसके अंदर चर्चिल नहीं है, नेहरू नहीं है, जैसे भी आप समझे नेहरू जी को, नासिर नहीं है, टीटो नहीं है, क्रुश्चेव नहीं, कोई नहीं है, हर कोई ठेला लगाने वाला मीडियोकर जिसने किताबें नहीं पढ़ी। एक जमाने में सियासतदान वो होता था जिसने जनरल एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दुनिया का पता हो कि भाई यूरोपियन सिविल वॉर्स क्या थी, ग्रीक फिलॉसफी क्या है, हिंदू फिलॉसफी क्या है, कन्फ्यूशन थॉट क्या है। इसके बाद आजकल जो है वो ऑलमोस्ट टू लेवल, आप मैं बताऊं कि पीपल आर प्राउड ऑफ हु दे आर नॉट व्हाट दे हैव डन। यानी आप जानते हैं मैं कहां से हूं, ये तो आपके इंडिया में भी चलता रहता है, हर आगे पीछे जगह था, तू जानता है किस बात कर रहा है ना साहब। अरे और मैं सिर्फ पहले एक टेस्ट फायर किया हमने, उस वक्त शोर मचाया कि ये आप जो कर रहे हैं यू आर प्लेइंग विथ फायर जनाब। विद इन दिस मंथ ऑफ रमजान जो अभी खत्म नहीं हुआ है, अक्रॉस कैनेडा हर मस्जिद के अंदर अजान होने लग गई। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी हालत यह है कि मैं आपको ये एग्जांपल दूं, पिछले हफ्ते मई की 16 को एक मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगा के साहब बिल्कुल जिहादी अंदाज में अजान दी उन्होंने, ऐसी अजान दी जो मैंने कभी नहीं सुनी। मैं शियों की मैं सुनता था कि जरा बड़ी होती, मेरी बीवी शिया है, बट कभी मैंने ऐसे इतनी बड़ी 12 मिनट की अजान नहीं सुनी। और वो अजान खत्म हुई तो उन्होंने शुरू कर दिया इसराइल की ऐसी तैसी करना, और आयतुल्ला सिस्तानी का एक बोर्ड रखा कि इस मस्जिद में सारे आयतुल्ला सिस्तानी जो इराक में हैं, बाय द वे, और सिस्तानी का मतलब है बलोच। हाँ, तो वो लेके खड़े होकर उन्होंने ऐसी तैसी कर दी यहूदियों की, वो मोहल्ला यहूदियों का था। जब वहां की मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट ने प्रोटेस्ट किया तो आप ये सोचिए कि उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को
अटैक किया और यहां तक नौबत आई कि उसने माफी मांगी उस मस्जिद से जहां अजान हुई उसके खिलाफ। तो ये जो 70 साल आप बर्दाश्त करते आ रहे हैं और वीटो पावर दिया हुआ आपने कि कौन क्या कर सकता है और हाथ नहीं लगाना, मां ये कर देंगे वो कर देंगे, उस टाइप का माहौल क्रिएट करके दे हैव स्प्रेड इंटेलेक्चुअल टेरर, जिसके अंदर एक लॉ पास कर चुके हैं जिसमें कोई क्रिटिकल मुसलमान किसी इस्लाम के बारे में खुद नहीं क्रिटिकल हो सकता, उसको M103 का लॉ कहते हैं, इस्लामोफोबिया। जब हर आदमी पे ये तलवार लगी हुई है तो खड़े होके बोलेगा कौन? तो आपकी सेंसरशिप कर दी गई, आपकी सेंसरशिप कर दी गई, दिस इज ना सेंसरशिप, सेल्फ सेंसरशिप है सर ये आपके यहां। मैं आपको बताऊं कि कोई शख्स, आपकी पुलिस को ले लीजिए, आपको मैं एक बताऊं, एक साहब है राम सुब्रमण्यम, यहाँ टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा 10,000 लोगों को जमा किया और एक कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज करेंगे वो कोर्ट में जाके कि ये म्यूनिसिपल लॉज जो हैं पास कर दिए, ये नॉइज कंट्रोल हटा दिया एक खास ग्रुप के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशन है। प्रेशर डाल के हमारे भाइयों ने उसकी नौकरी निकलवा दी, गॉट फायर्ड। मेरे पीछे पढ़ गए, मैंने कॉलम लिखा, मेरे अखबार को कहा कि इसको आप फायर करें, ये इस्लामोफोबिक है। ऐसे बहुत सारे काम चल रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान के टुल्ले और टुच्चे जो हैं दे आर प्लेस्ड वेल राइट अक्रॉस। उसके साथ फिर इनको खालिस्तानियों की सपोर्ट है, वो ट्रूडो साहब की कैबिनेट के अंदर बैठे हैं, उनको कुछ पता नहीं, कुछ नहीं सिवाय इसको कि पता नहीं कौन सा वोट वो 2020 में करवाएंगे। इट इज वेरी स्ट्रेंज, बट द रिस्पॉन्स हैज बीन पैथेटिक, एंड इसीलिए लोग खौफ में बैठे कि दंगा ना हो जाए। पागल लोग हैं, माफी मांग लो, इससे ये बेहतर। आप बताइए कि एक मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट जो खुद यहूदी है उसको गालियां दे दी गई और उसने माफी मांगी ये अपने दादागिरों से कि भाई मुझसे गलती हो गई। कैन यू इमेजिन दिस एवर टू हैपन? और ये फैशिस्ट नाट्सीज का जो तरीका था कि जाके अपने अपोनेंट के एम्प्लॉयर को कह देना कि ये सारे के सारे इन्फॉर्मेंट बन गए ना। अच्छा, पुलिस के अंदर जब कंप्लेंट हुआ तो पुलिस ने कहा कि भाई हमारे मुसलमान ऑफिसर हैं, इनसे पूछ लेते हैं। थ्रेट क्या दी वो राम सुब्रमण्यम को कि ऑनलाइन के इन सब के घर, ये 20 लोगों के एड्रेस हैं, कौन कौन इफ्तारी देने के लिए तैयार है। इट वॉज दैट थ्रेट के जरा सेट करके आओ, ये इनका एड्रेस है, कौन इफ्तारी भेजता है लोगों के एड्रेस करने के लिए। जो पुलिस थी वहां की, वहां मुसलमान जो ऑफिसर, ने कहा नहीं साहब ये तो बड़ी प्यारी चीज है, आप सोचिए कितना मने इफ्तारी बैठना। अरे भैया हमने समझाया जाके उस ऑफिसर को, पागल हो गए क्या, कौन सा इफ्तारी किसको भेजते हैं? हम यहाँ बैठे 20 साल से अपने पड़ोस को घर पे बुला लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा इफ्तारी हम भेजेंगे किसी हिंदू के घर में? तो इट इज ए क्लियरली एंटागोनिस्टिक। पहले आप उससे कह रहे हैं तेरा भगवान कुछ नहीं है, सारा कुछ है मेरा अल्लाह और एक ही है, और जो इसके खिलाफ बोलेगा उसकी ऐसी की तैसी है, और बचा क्या है कि आप इफ्तारी खिलवा रहे मुझे। तो इस कन्वोल्यूटेड तरीके से उन्होंने एक खौफ का माहौल पैदा किया, और इस वक्त पूरे कनाडा में हर शहर में मगरिब की अजान हो रही है, लेकिन जो हम चंद लोग खड़े हुए इसके अगेंस्ट जो मुसलमान थे सारे, उनकी वजह से अब ये नहीं कहा जा सकता कि इनका प्लान था कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा और फिर हम कहेंगे कि साहब ऑब्जेक्शन तो नहीं हुआ, 5 वक्त की नमाज की इजाजत दे दीजिए। लेकिन कुछ हमारे जियालों ने जो मुसलमान हैं, जिसके अंदर हर टाइप के हमारे दोस्त हैं, अदीब हैं, लिखने वाले, हमने सबसे कहा कि तुम लोग यहाँ आए हो पाकिस्तान के अजाब से बचने के लिए, ये हिंदुस्तान से आए हो, पता चला कि जो इंडियन मुसलमान था ये जो है इन्होंने तो इनकी थिंकिंग ही ऑन हमको नजर आई, यानी यहाँ पैदा हुए भी लोग। एक साहब है उनका नाम ही है मुस्लिम लॉयर, बताइए कम्युनल बात नहीं हुई।
कि आप वकालत करके दफ्तर अपने आप को एडवर्टाइज करें मुस्लिम लॉयर, मतलब कि नॉन मुस्लिम आएगा ही नहीं आपके पास. वो लोग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन गए. एंड थ्रेट करने की ये हालत है कि अब छोड़े, मतलब क्या क्या बात, अपनी कम्युनिटी की बात है, यू नो, अच्छा भी नहीं लगता हमको कि कहें कि कुछ सुधरता ही नहीं, कोई चीज इनके ठीक ही नहीं होती. सो ये वीडियो थी तारिक फातेह जी की, और इस वीडियो में बेसिकली संजय दीक्षित के साथ इंटरव्यू कर रहे थे. वैसे तो ये वीडियो ओल्ड है और इस वीडियो में पहले ही ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है, हमने नहीं की है, लेकिन इन लोगों की वीडियो जो ये वाली वीडियो है ये पुरानी वीडियो है, बट इन्होंने अब दोबारा से अपलोड की क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो इस वीडियोस को नहीं देख पाते, इस टाइप की वीडियोस क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे चली जाती हैं, तो उन लोगों के लिए दोबारा से एक एडवांस में है कि आप दोबारा से देख सकते हैं. सो ये एक अच्छा ऑप्शन है. सो खैर, संजय दीक्षित की तो हमेशा से ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं, वो हमेशा एक अच्छे टॉपिक्स के साथ ही बाहर लेकर आते हैं सब. और तारिक फातेह जी के साथ डिस्कशन सुनकर तो और मज़ा आ जाता है. तो बात यहाँ पर हो रही है कि मतलब मुस्लिम्स जो हैं वो बेसिकली हर्ट क्यों करते हैं अदर रिलीजन्स को और अदर चीज़ों को. तो बेसिकली एक तो मेरे माइंड में इस चीज़ से मैं एक अपनी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ कि बेसिकली मैंने भी इस चीज़ को नोट किया है कि मोस्टली जो पीपल हैं, जो मोस्टली लोग हैं जो स्पेशली इन पाकिस्तान, नॉट इन अदर कंट्रीज, वो लोग हमेशा यही मतलब यहाँ के जो कंट्रीज के लोग हैं, हम बेसिकली अपने सर पे इतना हमने सवार कर लिया है कि दैट वी आर मुस्लिम एंड हम लोग जो हैं हम जन्नत में जाएंगे, हम हमारे ये 70 भूरे होंगी, 72 भूरे होंगी, पता नहीं, वट एवर. लेकिन हम इस चीज़ को हमेशा भूल जाते हैं कि जो सामने वाले अदर रिलीजन्स के लोग हैं दे आर एक्चुअली ह्यूमन. ठीक है, वो हमारे रिलीजन्स को फॉलो अप नहीं करते, बट वो जो हैं उनको, वो भी इंसान हैं जैसे हम इंसान हैं, जैसे हमारे पास दिमाग है वैसे उनके दिमाग भी है, हमारे पास दिल है उनके पास भी दिल है. तो एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरा ये है कि हम लोग हमेशा ये अपने आप को सबसे ऊंचे लेवल पे समझते हैं और दूसरों को हम समझते हैं कि इफ़ दे आर काफिर सो उनको तो कोई राइट ही नहीं है कुछ कहने का. तो ये चीज़ जो है इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं. अगर कोई हमारे जैसे के धर्म के मज़हब के ऊपर कोई बात उठा लेता है तो हम थोड़ा सा भी पॉइंट आउट कर लेते हैं तो हम उस पर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और हम उसमें बर्दाश्त कर नहीं कर सकते. हम किसी को एक मौका नहीं देते उसको सफाई पेश करने का. क्यों? क्योंकि उसने कोई गुनाह कर दिया है कुछ बोलकर. लेकिन अगर हम कुछ बोलते हैं, हम बोलते हैं, मतलब कि हम किसी के जैसे कि आमिर लियाकत की ही बात कर लें तो मैं इस टॉपिक से उनको रिलेट कर लेती हूँ कि उन्होंने ट्वीट करके जो है मरियम नवाज को जो है उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने एक हिंदू देवताओं की जो है ना वो पिक्चर कुछ लगाकर तो उससे मजाक उड़ाने की कोशिश की गई. तो ये एक्चुअली उन्होंने डिलीट तो कर दिया, उसके बाद ये भी कह दिया कि वो मेरी तरफ से गलती हो गई थी और माजरत करता हूँ. तो डिलीट मैंने कर दिया ट्वीट. बेसिकली ट्वीट डिलीट करने की बात नहीं है इस तरह. तो फिर दूसरों को भी मौका दें आप, जब वो गलत किसी ने आप कुछ बोल दिया तो उनको माजरत करके उनको माफ़ कर दिया जाए. लेकिन आप अपनी तुम करो तो सही, दूसरा करे तो गलत. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये हमें रोज़मर्रा लाइफ में देखने को मिलती हैं एवरी डे. तो हमें इस चीज़ पे हमें फोकस करना पड़ेगा. और अभी रिसेंटली एक वीडियो भी आई थी जिसमें कि एक टीचर ने जिहाद के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे थे. बच्चे कितने साल के होंगे यार, दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे थे जिनको ये इस तरह की टीचिंग करा रहे हैं कि सरतन से जुदा ये वो. तो इस तरह की हम एजुकेशन बच्चों को जब प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारी न्यू जनरेशन मतलब आने वाले वक्त की मुस्तकबिल है पाकिस्तान का. तो हम इनको ये एजुकेशन दे रहे हैं कल को ये भी वही हरकत करें जो पेशावर में हरकत हुई थी, पेशावर के मासूम बच्चों के साथ हुआ था. तो ये इन बच्चों को पढ़ा कर क्या ये इस तरह का बनाना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दे रहे? टेक्नोलॉजी से भरी हुई दुनिया है, हमें उस तरफ लेके जाना चाहिए. तो खैर, हम लोग इस चीज़ में ही गूंज रहे हैं जिसकी वजह से ना तो हम तरक्की कर पा रहे हैं ना ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं. अगर यही हम दूसरे मुस्लिम्स को देखते हैं, मुस्लिम तो सारे ही हैं मतलब आउट ऑफ कंट्री में मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो उन लोगों को अगर हम देखें, अरब लोग तो कभी भी इस तरह से नहीं करते, उन्होंने तो कभी उनकी इस तरह की कोई हमने चीज़ देखी नहीं है.
ओनली इन पाकिस्तान हम ये चीज़ें देखते हैं और इस तरह की हेटफुल चीज़ें स्पीच जो हैं वो अदर रिलीजन्स के लिए हम लोग देखते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए जो कि हो रही हैं एक्चुअली। और इस पर अब जो डिफरेंट लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो हमेशा ख़ुद से ही कुछ ना कुछ अपनी स्टडीज लेकर आ जाते हैं और बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं या सबको ज्ञान दे रहे होते हैं। सो मैं इस पर यही कहूँगी कि ये मतलब कि एक्चुअली वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे जो हम लोगों को बेसिकली मिलनी चाहिए, तो ये कुछ नेगेटिव वे में जा रहे हैं। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।